हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप कैसे घर पर स्किन वाइटनिंग के लिए कॉफी फेशियल कर सकते हैं। फेशियल करने से हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे स्किन ब्राइट, ग्लोइंग और यूथफुल बनता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ कॉफी से एक नेचुरल फेशियल करना दिखाऊंगी, जो आपकी स्किन को ब्राइटन, ग्लोइंग और वाइटन बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किन वाइटनिंग कॉफी फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग। क्लेंजर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर लीजिए। आप कॉफी को ग्राइंड करके कॉफी पाउडर बना सकते हैं। फिर इसमें 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेके अच्छे से मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर से अपने चेहरे को 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन पे जेंटली मसाज कीजिए। कॉफी में कैफीन नामक कंटेंट होता है, जो हमारी स्किन से डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सनटैन और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और हमारे स्किन टोन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है। 2 मिनट तक ऐसे मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से स्किन को धो लीजिए। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबर बनाने के लिए एक बोल में 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर और 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लेकर अच्छे से मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर से अपनी स्किन को सर्कुलर मोशन पे जेंटली स्क्रब कीजिए 5 मिनट तक। ये स्क्रब डेड स्किन को बहुत अच्छी तरह से रिमूव करता है। इस तरह से स्क्रब करने से आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बन जाता है। ऐसे 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। लास्ट स्टेप है फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए एक बोल में 2 टेबलस्पून कॉफी पाउडर लीजिए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून हनी और थोड़ा सा लेमन जूस लेकर अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसमें लेमन जूस को ऐड मत कीजिए। तो ये हमारा स्किन वाइटनिंग फेस मास्क रेडी है। अब इसे अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये फेस मास्क आपके स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाने के लिए अमेजिंग है। इसमें कॉफी है। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है, जो हमारे डैमेज स्किन को रिपेयर करके स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। साथ ही ये हमारे स्किन को टाइटन करता है, जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस होता है। बेसन हमारे स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन टोन को लाइटन बनाता है। हनी और लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, जो स्किन टोन को लाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग बनाता है। अप्लाई करके इसे 20 मिनट तक रखें और 20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस फेशियल को एक ही बार अप्लाई करेंगे तो आप अपनी स्किन पर बहुत सारे डिफरेंस देख पाएंगे। इस फेशियल से आपके स्किन से सनटैन पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और आपको एक फेयर, ग्लोइंग और ब्राइटन स्किन मिलेगा।
अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इस फेशियल को महीने में दो बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।